हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे कटोरी वैक्स घर में कैसे बनाई जाती है। कटोरी वैक्स वो होती है जिसमें स्ट्रिप्स का यूज नहीं होता। ये मोस्टली अपर लिप्स, चिन, फोरहेड, इस तरह के पार्ट्स में की जाती है। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून शुगर और 2 नींबू। 2 नींबू लेने हैं, यानी कि नॉर्मल साइज़ के हों, और साथ में 2 ही टेबलस्पून शुगर लेनी है, यानी कि आधी कटोरी के लगभग। एक पैन लीजिए और साथ में 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप घर में अगर आपके लगी हुई है तो वो भी ले सकते हो। मैंने मार्केट से डिब्बी वाली यूज़ की है, पतंजलि की भी ले सकते हो। इससे थोड़ी एलोवेरा जेल से ना स्किन थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, और ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है एलोवेरा, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें। और शुगर और थोड़ा पानी डाल के हम पैन में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालना है, आधी कटोरी से भी थोड़ा कम, और मेल्ट करेंगे शुगर को फिर से अच्छे से, और साथ में थोड़ी देर तक जो लेमन जूस हमने निकाला था वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से चलाएंगे। गैस को स्लो ही रखेंगे, क्योंकि तेज़ गैस में जो चीनी है वो जलने का डर रहता है। तो अच्छे से इसको चलाते जाएंगे। अब इसको जैसे चाशनी जैसे ही बनाना है, जैसे अच्छे से थोड़ा थिक हो जाए, 2 से 3 मिनट हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब इसको गैस को स्लो ही रखना है गाइस, तो स्लो गैस में इसको चलाते रहना है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए थिक हो रहा है, इसको अच्छे से चलाते रहना है। जैसे ही मटेरियल थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है तो हम जो 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल का था हम वो भी डाल देंगे इसमें। अगर गाइस आपके पास एलोवेरा जेल घर की बनी है, घर में अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है तो उसको आप उसके अंदर का पल्प निकाल के भी डाल सकते हो, पतंजलि की भी डाल सकते हो, आपके पास कोई भी है डाल सकते हो। उसको डाल के फिर इसको 1-2 से 3 मिनट तक इसको चलाते रहना है अच्छे से। इसको साथ में इसको मिक्स करना है, इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश में आ जाएगा क्योंकि ये रेडीमेड बाहर की है। जब आप घर की अगर एलोवेरा डालोगे तो वो कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती है। तो ऐसे देखना है कि ये थोड़ा चेक करते रहना इसको। अब मैं इसको पानी में थोड़ा सा डाल के देखूंगी, अगर नीचे ये नीचे बैठ जाती है तो इट मींस ये बन गई है, ये नहीं बैठी है नीचे तो इसका मतलब ये अभी नहीं बनी। ये देखिए ये थोड़ी फैल गई है, इट मींस अभी और इसको बनना बाकी है। इसको ऐसे ही गैस को चलाते रहना है, 1 मिनट और चलाना है ताकि, और गैस को स्लो रखना है और फास्ट चलाना है ताकि नीचे लगे ना, और ऐसे थोड़ा ऊपर करके इसको चेक करते रहना है। गाइस अब मैं फिर से इसको पानी में डाल के चेक करूंगी। ये देखिए अब ये नीचे बिल्कुल एकदम से नीचे बैठ गई है। अब इसको निकाल लेंगे, निकाल के देखेंगे ये बन गई है बिल्कुल। ये थोड़ी हार्ड होती है, जो कोल्ड वैक्स होती है वो सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है। ये ऐसे ही क्योंकि इसको निकालना होता है। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए 5 मिनट में थोड़ी जम सी गई है। जब भी इसको गाइस यूज़ करें इसको हल्का गर्म करें, और अपनी किसी भी जैसे चिन में या कहीं पे भी लगा के यूज़ करें। बहुत ही अच्छी बनी है, और आपकी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि कैसे बनी है।